हेलो दोस्तों, हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ जल्दी से फटाफट में बनने वाला चाउमीन। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी को जल्दी से शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, चाउमीन के लिए मैंने जो भी मेरे पास सब्जियाँ थी उसको काट लिया है। यहाँ मीडियम साइज़ का मैंने शिमला मिर्च लंबे लंबे आकार में काट कर रखा है। गाजर एक लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, उसे लंबे आकार में काट कर रखा है। लेकिन यहाँ प्याज मैंने बारीक बारीक काटा है। दोस्तों, आप चाहें तो लंबे आकार में काट लीजिएगा, जैसा आपको पसंद हो। यहाँ हल्का सा मैंने लहसुन को बारीक काट के रखा है। हरी मिर्च है जो मैंने लंबा काट कर रखा है और बारीक काट कर भी रखा है। अदरक है, तो सभी चीज़ों को मैंने इस प्रकार से काट कर तैयार कर लिया। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, जब तक मैं आपसे बात कर रही थी, एक बड़े से बर्तन में मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। हम डालेंगे हल्का सा नमक और 2-4 बूंद ऑयल डाल देंगे। इससे हमारा जो नूडल्स है वो चिपचिपा नहीं होगा और हल्का सा नमकीन भी हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों मैंने नूडल्स डाल दिए हैं। इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना होता है, इसे बस हम 70% के करीब ही कुक करेंगे। लेकिन आपको अगर ज़्यादा पका हुआ पसंद है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए, ये 70% के लगभग पक चुका है। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और फटाफट से इसे हम स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। तो देखिए दोस्तों, नूडल्स को मैंने छान लिया है और एक दो बार मैंने ठंडे पानी से भी धो लिया है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो एक कढ़ाई में मैंने 1-2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है और इसे तेज़ गरम कर लेते हैं। तेल को देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से गरम करना है और इस प्रकार से चारों तरफ कढ़ाई के फैला लेना है। करना है, अब डाल देंगे बाकी की सब्जियाँ, जैसे कि प्याज, या हमारा शिमला मिर्च, या हमारा गाजर। तो देखिए दोस्तों, सब्जियों को हमने 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर पका लिया है। अब इसमें बाकी की सॉसेज ऐड करेंगे। ये गया 2 चम्मच के करीब चिली सॉस और ये जा रहा है हमारा टोमेटो सॉस। आप जो भी सॉस पसंद करते हो वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ मैं अपने हिसाब से बस चिल्ली और टमाटो सॉस डाल रही हूँ। आप चाहें तो सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स करते हैं। इसमें हम हल्का सा डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब विनेगर डाल देंगे, इससे हल्का सा खटास आएगा हमारे चाउमीन में। और देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसमें अपना चाउमीन डाल देंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला हमारा चाउमीन दिख रहा है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुआ है। आप 1-2 बार इसे ठंडे पानी से धो देंगे या नॉर्मल पानी से, तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। और एक प्लेट में हल्का सा फैला देंगे अच्छे से। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप 2 काटा चम्मच की मदद से इसे मिला सकते हैं। मिलाने में यह हल्का सा मुश्किल लगता है, अच्छे से मिला देते हैं। देखिए दोस्तों, सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें कुटा हुआ काली मिर्च डालेंगे। और ये हमारा चाउमीन बनकर बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम यूं ही आपके लिए रेसिपीज लेकर आते रहें। और हमें आपके लिए क्या बनाना है ये भी आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर, वो जो घंटी होता है उसे आप दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आप तक तुरंत पहुंच जाएं और आप हमारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।